हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। अभी आप जैसे मेरे पीछे एक देख रहे हो, बड़ी लोकल मार्केट है, ये फ्ली मार्केट है। ये है दोस्तों फ्ली मार्केट। फ्ली मार्केट मतलब जैसे अपना दिल्ली में भी लगता है चोर बाजार, फ्ली मार्केट बोलते हैं उसको, तो ऐसे ही ये मार्केट है। इसके अंदर आपको नया पुराना चोरी का सामान सब मिल जाएगा। इनके पास कुछ नए सामान भी होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं, और कुछ आपको ऐसे सामान मिलेंगे जो चोरी के होते हैं। यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में आता रहता है अमेरिका में कि कुछ सामान हमने फ्ली मार्केट से पकड़ा है जो चोरी हुआ था, तो ऐसे न्यूज़ में काफ़ी चलता रहता है यहाँ अमेरिका में। तो लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि अमेरिका में चोरियाँ भी होती हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अमेरिका में बहुत ज़्यादा चोरी होती हैं। अगर आप ये बड़ी बड़ी सिटी के अंदर जाएंगे, आप वहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने जैसे घर होते हैं इतनी मतलब हैवी ग्रिल लगाई हुई है अपनी खिड़कियों पे, दरवाजों पे, हर जगह पे, कि कोई तोड़ के ना घुस सके। और आप न्यूज़ में भी सुनेंगे, यहाँ पे डेली कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि चोरी हो गया। जैसे मैं ऑरलैंडो में रहता हूँ, ऑरलैंडो में भी काफ़ी ज़्यादा चोरी होती है। तो चोरी अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ तक कि गाड़ियों में कोई लोग मोबाइल लैपटॉप छोड़ जाते हैं तो गाड़ियों के शीशे भी तोड़ देते हैं लोग। तो ऐसे काफ़ी एक्टिविटी होती है अमेरिका में। तो वो चोरी जब सामान कर लेते हैं तो ये फ्ली मार्केट काफ़ी मशहूर है उन चीज़ों के लिए कि वो सामान फ्ली मार्केट में पहुंच जाते हैं। और ये यहाँ पे सब चीज़ें बिकती हैं, फ़ोन, ये देखिए हर चीज़ आपको बिकती हुई मिल जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोन वगैरह हर चीज़। मगर ये नहीं है कि हर चीज़ ही चोरी की नहीं है, मगर ये यहाँ पे नया भी सामान मिल रहा है, पुराना भी सामान होता है वो भी मिलता है, हर चीज़ के आइटम मिलते हैं। और कुछ ऐसे यूनिक सामान भी यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, जो एक एक आइटम होते हैं, जो लाइफ में एक आइटम बनाया है तो वो भी लोग यहाँ पे आके फाउंड कर लेते हैं। और उसको मतलब ये यहाँ पे ख़रीदते हैं $10 का, और वो आइटम कभी कभार वो वेबसाइट पे जाके बेचते हैं $1,000 में, $2,000 में। कभी कभार यहाँ पे पेंटिंग्स ऐसी बिक्री होती हैं जो पेंटिंग मतलब इतनी वैल्यूबल होती हैं, इन लोगों को पता नहीं होता कि उस पेंटिंग की इतनी ज़्यादा कॉस्ट है। तो अभी जैसे मैंने काफ़ी पहले मैंने एक न्यूज़ में सुना था कि किसी ने ऐसे ही मतलब फ्ली मार्केट से कोई पेंटिंग खरीदी थी, और वो पेंटिंग उन्होंने $15 की खरीदी और उसको कई मतलब मिलियन डॉलर में उसको सेल किया था। तो ये फ्ली मार्केट में ऐसा ही है, एक एक दो दो आइटम मिलते हैं। तो अभी आप ये देख ही रहे हैं, देखो कैसे ये सामान पड़ा हुआ है, कितना गंदा, पता नहीं कौन खरीदता है ये सामान, मगर इनका ये बिकता है तभी ये लोग यहाँ पे इसको बेचते हैं। और ये देखिए जैसे ये जो एरिया है, इतना एरिया ये रेंट पे जाता है, मतलब एक दिन का यहाँ पे रेंट होता है $150-200, तो कोई भी ये एरिया ले सकता है। अगर आप भी यहाँ पे अमेरिका में रहते हो, अगर आप भी ऐसे कोई एरिया लेके अपना सामान बेचना चाहते हो तो आप भी यहाँ पे आके बेच सकते हो। इसीलिए यहाँ पे चोरी का काफ़ी ज़्यादा सामान बिकता है, तो कोई मतलब पूछता नहीं है। जैसे कोई भी चोरी का सामान है, कोई किसी से पूछेगा ही नहीं कि कहाँ से लाए, कितने सारे आइटम है आप देख रहे हो। और जैसे कपड़े हैं, ये भी कपड़े नए पुराने मिक्स कपड़े यहाँ पे बिक रहे हैं, यहाँ पे लोग खरीदते हैं। और ख़ासतौर ये वाली जो मार्केट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मतलब हिस्पैनिक लोगों की है, जो स्पेनिश लोग होते हैं उन लोगों की है। तो ये मार्केट में देखिए ये भी बिक रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे चिड़िया वगैरह ये सब बिक रहे हैं, बर्ड्स वगैरह कितने सुंदर हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं किसी को भी ऐसे जेल पिंजरे में देखता हूँ, तो मेरे को बहुत दुख होता है। अभी मेरे को देख के दुख हो रहा है, मेरे को लग रहा है इसको सबको खोल दो, मगर सब मेरे उसमें नहीं है बस में कि मैं इन लोगों को खोल सकूं। और ये देखिए इन्होंने कछुए भी रखे हुए हैं यहाँ पे, यार कछुए भी बेच रहे हैं, कमाल है। बेचारे कछुए इसमें टब में पड़े हुए हैं, वैसे बेचारे बाहर घूमते तो। ये देखिए और पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, ये लिजर्ड पता नहीं इसको कहाँ कहाँ से लेके आते हैं यार, ये तो हद हो गई। इसको देखो, ये तो बिच्छू है भाई, ये तो हद होगी, स्पाइडर बिच्छू सब रखे हुए हैं। ये वाला बिच्छू है, वो स्पाइडर थी पहले वाली, ये अगेन लिजर्ड छिपकली के जैसे, एक ये भी छिपकली यहाँ पे बैठी हुई है, ये कलरफुल ब्लू कलर की, मैंने आज से पहले कहीं ब्लू नहीं देखी थी। स्नेक भी बेच रहे हैं, तो ये स्पेनिश लोग हैं, स्पेनिश लोगों की मार्केट है यहाँ पे, सब ऐसे छोटे मोटे ये जानवरों को भी बेच रहे हैं, तो कमाल है भाई। मुझे पता नहीं कौन खरीदता है, ये तो ज़रूर डक वगैरह है, ये तो सब कोई ना कोई खरीद लेता होगा। तो और देखते हैं क्या आइटम बेच रही है ये आंटी, आंटी पता नहीं किस चीज़ के अंडे पैक कर रही है। ये आप देखिए इतने कितने सारे जानवर यहाँ पे हैं, मगर मेरे को दुख होता है जानवरों को देख के, बेचारों को आज़ाद कर देना चाहिए, नहीं। और ये देखिए इगुआना बोलते हैं इसको, ये जो अभी आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और काफ़ी आप देखोगे कि लोग अपने मतलब ये हमेशा
अपने कंधे पे यहाँ पे अमेरिका में रखते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं, पैसे लेते हैं वो। ऐसे कभी कभार कोई मतलब जैसे मेला वगैरह चलते हैं अमेरिका में, तो उसमें ऐसे इगुआना आपको दिख जाएंगे, काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी कलरफुल होते हैं। तो बेबी इगुआना लग रहा था मुझे। ये देखिए कैसे शैम्पू बिक रहे हैं खुले, पता नहीं ओरिजिनल भी हैं या नहीं है। तो ट्री वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि भाई ना मिले। तो लोग जैसे लोगों को लगता है अमेरिका बहुत लग्जरी है, तो भाई अमेरिका लग्जरी भी है और ऐसी नॉर्मल चीज़ें भी हैं यहाँ पे। जैसे अभी ये स्पेनिश लोगों की मार्केट है, यहाँ पे मेरे को अभी तक कोई दिखा नहीं ऐसा कि कोई अमेरिकन नहीं दिखा, ये सब स्पेनिश लोग हैं, दूसरी दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। स्पेनिश भी ये नहीं होते कि सिर्फ मैक्सिकन ही होते हैं, स्पेनिश पोर्टोरिकन होते हैं, और ये यहाँ पे साउथ अमेरिका में काफ़ी सारी कंट्रियाँ हैं जो लोग स्पेनिश बोलते हैं, उनको ये सब हिस्पैनिक बोल देते हैं। तो बहुत सारी कंट्री के लोग स्पेनिश बोलते हैं, तो ये यहाँ पे सब मिक्स आते हैं। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पोर्टोरिको से भी लोग हैं और मैक्सिको से भी हैं, और भी साउथ अमेरिका में काफ़ी सारी कंट्री हैं। आपको मैं बता दूँ, साउथ अमेरिका है जो ये नीचे मतलब जो साउथ में है वो है, जिस तरह अभी ये अमेरिका है जो रियल अमेरिका जो आप लोगों को पता है उसको नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। तो हम लोग रहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, जैसे फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, एलए, ये सब नॉर्थ अमेरिका में आता है। साउथ अमेरिका में ये स्पेनिश कंट्रियाँ आती हैं। तो ये आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। हमेशा अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आपको लगे कोई बंदा भी वीडियो बना रहा है और वो गलत बोल रहा है, तो उस चीज़ को आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो ये चीज़ें थी, लोग पूछ रहे थे कि भाई कोई लोकल मार्केट दिखाओ, तो आज मैं आया हुआ था यहाँ पे, मैंने बोला कि लोकल मार्केट की वीडियो बनाने चलते हैं। ठीक है, ये एरिया जो था मेरे को, मैं बताता हूँ आपको, ये मेरे को रूडी ने बताया एरिया, रूडी को थैंक यू बोलता हूँ। रूडी ने बोला भाई वो वहाँ पे एक स्पेनिश मार्केट है, मैंने बोला कि यार मेरे को इतना टाइम हो गया रहते हुए, मुझे आज तक नहीं पता था यहाँ पे एक ऐसी मार्केट भी है स्पेनिश जहाँ पे ऐसे सामान मिल रहा है। और ये सामान कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, ये यहाँ पे सामान $1 से लेके कुछ $30-40 तक में ये सारा आइटम आपको मिल जाते हैं, छोटे मोटे जितने भी आइटम हैं, बहुत सस्ता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मतलब आप देख सकते हो, मगर लेते हुए ऐसे लग रहा है सब कुछ लोकल है, और जितनी भी नई चीज़ें मैं देख रहा हूँ सब मेड इन चाइना बनी हुई हैं और अजीब सी हैं, पता नहीं, मतलब ऐसा है कि मतलब लेके आप इसको फेंकना ही पड़ेगा। तो मैं तो इस ऐसी जगह से कभी कोई चीज़ खरीदूंगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है ऐसी जगह से। इस वीडियो के लिए भाई हम सबको एक बार फिर रूडी को थैंक यू बोलना चाहिए। रूडी ने मेरे को इस प्लेस का बताया, रूडी ने बोला कि भाई तुमने कभी वहाँ पे गए हो, मैं बोला यार उस प्लेस का मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो रूडी थैंक यू सो मच भाई ये बताने के लिए। और भाई आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में मुझे ज़रूर करके बताओ, और अपने कुछ नए आइडिया भी दो यार के और किस टाइप की वीडियो देखनी है। तो मैं कोशिश करता हूँ आजकल के हर दिन में एक आप लोगों के लिए मैं वीडियो ला सकूँ, टाइम निकालता हूँ, जितना टाइम लगता है मैं बाहर जाके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और ये अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल मत भूलो, आप लाइक करते हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि चलो भाई वीडियो बनाते हैं, और आप लोग कमेंट करते हो अच्छे, उससे भी मोटिवेशन मिलता है, और आप कमेंट करते हो उससे आइडिया मिलता है कि किस टाइप की वीडियो देखनी है आप लोगों को। तो मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, जैसे काफ़ी लोगों ने बोला है स्कूल की वीडियो बनाओ, तो अभी मैं स्कूल की वीडियो बना रहा हूँ भी कुछ दिन में, तो कोशिश करते रहते हैं। देखिए कुछ भी बेच रहे हैं यार, मतलब ये यहाँ पे ये कपड़े वगैरह पता नहीं, मतलब भाई कुछ भी बिक रहा है मार्केट में। अच्छा लगा के मुझे एक आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो भी बन गई है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आई लव यू, बाय, टेक केयर।